बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उरूज और कुक विद उरूज में आप सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है प्यारे प्यारे दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से खैरियत से हूँ। आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म से फ्राइज। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं कैसे बनते हैं मज़ेदार से फ्राइज। एक किलो आलू लिए हमने, आलू को फ्राइज़ की शक्ल में काट लिया है। आलू आप अपनी शेप के काट सकते हैं, आपको जैसे भी फ्राइज़ की शेप पसंद हो। हाफ कप लिया हमने कॉर्नफ्लोर और हाफ कप लिया हमने मैदा। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसके अंदर। मैदे और कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं। बना के ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। मैदे और कॉर्नफ्लोर का अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब डालेंगे कढ़ाई में, अच्छे से लाइट ब्राउन करके निकालेंगे। फौरन से इसको चलाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसको होने देंगे क्रिस्पी, फिर चलाएंगे बाद में। देखिए हल्के हल्के से लाइट ब्राउन होने लगे, अब इसको चलाएंगे। देखिए अच्छा सा ब्राउन ब्राउन कलर आने लगा इस पर। तेल अगर आपका अच्छा गर्म होगा तो फ्राइज का अच्छा कलर आएगा और जल्दी ये गल जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे किस तरह मज़े के करारे से तैयार होते हैं। फ्राइज हो गए हमारे बिल्कुल तैयार, अब इसे निकालेंगे सर्व करेंगे। इसे प्यारी सी प्लेट में निकाल लें। देखिए जी फ्राइज हमारे तैयार है, अब डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। मज़ेदार से गर्मा गर्म से फ्राइज बनकर तैयार हैं, तो शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, मेहमानों के साथ एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है आप सबको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें और हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।